बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ श्रोता बंधुओं, गोवर्धन लीला का ये भाग दो प्रारंभ होने जा रहा है। कहे कर हरि ने सुयस मगन हुए द्रज ब्रंद, जय विनीत कहे प्रेम से जय श्री यादव चंद्र, एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, इंद्रदेव को पूजने चले सभी नर नारी, श्रोता बंधुओं इस प्रकार से भगवान कृष्ण को अपने ब्रजवासियों के साथ आनंद देते बहुत दिन बीत गए। एक रोज की बात है, ग्वाल लोग हर एक साल एक त्योहार मनाते थे अपना, और उस त्योहार के नाते भगवान इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। उनका यह विश्वास था कि हम जब इंद्रदेवता की पूजा करते हैं तभी इंद्रदेवता जो है वो जल की वर्षा करते हैं और जिससे हमारी खेती हरी भरी रहती है। तो आज जब वही समय आया इंद्र भगवान की पूजा करने का, तो क्या करते हैं श्रोता बंधुओं, समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल बढ़िया बढ़िया पूरी और पकवान बनाने लगे। पूरी पकवान आदि लेकर सब ग्वाले वाले आगे चले, पूजन अर्चन करते करते इंद्र की प्रार्थना गाने लगे, मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, अंधी गति चले जा रहे हैं सच्चे पथ की पहचान नहीं, मुझको दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रकटाना है, माया की अंधी राहों से सत्य की ओर ले जाना है, ग्वालों का त्योहार हुआ, सारे ब्रजवासी पूरी पकवान ले ले करके सब आगे चले कि हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे अर्चना करेंगे। इधर श्रोताओं इंद्र के मन में बड़ा घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था, तो भगवान यह भी विचार कर रहे थे कि हमको इंद्र का अभिमान तोड़ना है, इंद्र का घमंड तोड़ना है, और दूसरी तरफ भगवान अपने ब्रजग्वालों को सत्य पथ का रास्ता भी दिखाना चाहते थे कि इन ग्वालों में सच्चाई पहचानने की
आदत आवे, इनमें सुधार आवे और इनको पता चले कि सत्य मार्ग क्या होता है। इसलिए भगवान सभी बातें सोच समझ करके क्या करते हैं। यही सोच कर कृष्ण ने माता के ढिंग जाए भोलेपन से प्रश्नियों किया तनिक मुस्काए। बड़े प्रेम से गए अपनी माता के पास और बड़े प्यार से पूछने लगे, मैया यह आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। स्वार्थ भाव से भरे हुए गीतों में किसे रिझाती हैं। पूछने लगे, मैया आज ये नया उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है, किसके स्वागत सत्कारों के लिए सामान सजाया जा रहा है। मैया ये तरह तरह के साज लिए हुए ग्वालनी क्यों आती हैं, माता अपने गीतों से ये किसको रिझा रही हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही मैया। कहा, बेटा चुप हो जाओ यादव चंद। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। बेटा यादव चंद तुमको नहीं मालूम ये काहे की पूजा हो रही। कहा, नहीं बाबा। जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, कृष्ण चतुर्दिश को उन इंद्र देव का पूजन है। जो मेघों को राधे राधे पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्ध सिद्धि उप जा करके अपना धन धान्य बढ़ाते हैं, वासी उन्हें मनाने को उत्सव हर साल मनाते हैं,
मेह की याचना करते हैं, यश गाकर उन्हें रिझाते हैं। कहा बेटा तुमको नहीं मालूम, हम सब लोग उन भगवान इंद्र का पूजन कर रहे हैं जिनके आगे जिनके हाथों में हमारा पूरा जीवन है, पालन पोषण है। ये त्योहार बेटा कार्तिक की चतुर्दश को इंद्रदेव की पूजा के लिए मनाया जाता है। जब वो पूजा हम करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने मेघों को आज्ञा देते हैं तो उनके मेघ पृथ्वी पर जल बरसाते हैं जिससे रिद्धि सिद्धि उपजती है, खेती बढ़ती है, हमारी फसल पैदा होती है, हमारे घर में धन धान्य होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा बाबा ये बात है, लेकिन बाबा हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। का कौन बात? कृष्णचंद्र कहने लगे ये माया का जाल, अरे चले जा रही है यहां दुनिया पुरानी चाल। बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंगी है, सब पुरानी चाल चले आ रहे हैं। ठीक बाबा मान लिया हमने, आपकी बात मान लिया, फिर भी एक बात आपसे पूछना है कि इंद्र कहाँ का मालिक है? थोड़े से यज्ञ हवन करने से उसने इंद्रासन पा लिया, अपनी मूर्खता से आपने उसको अपना इष्ट मान लिया। बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंगी है, संसार बड़ा बेढंगा है, जानते हो बाबा? अरे श्रोताओ ये सच है, बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है। मिले जो राम नाम का उस पर व्यंग उठावे, मुफत मिले जो राम नाम का उस पर व्यंग उठावे, मेरे गढ़े मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तब, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निसाचर सेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश न माने पूजे नकटा देवी। भूदंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। और दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे, भाई पानी मांगे
पुतुलाल। हाँ भैया। तोला ढीले धामे जियत पिता को जल ना देवे, मरे श्राद्ध करवावे। भैया ये दुनिया कैसी बेढंगी है, घर में जब तक माता पिता जिंदा हैं, अब अगर बूढ़ा बाप कह दे बेटा शंभू हाँ बड़ा जोरों की प्यास लगी है एक गिलास पानी पिला दो, चुपे रहो बूढ़ो चबर चबर करते हो, मार कस के गुस्सा आ जाएंगे। जिंदे पिता को कभी भैया एक लोटा जल नहीं देंगे। और जब बप्पा जाएंगे मर, जब बप्पा गए मर, तब झूठी श्रद्धा दिखा रहे हैं। कनागत आएंगे जब तो कहेंगे कौआ बप्पा आओ खीर पूरी खाओ, कौआ बप्पा आओ खीर पूरी खाओ। अरे भैया राम सिंह, जब जीते पिता को आपने कुछ दिया नहीं तो मरे के नाम से कौओं को खिलाते हैं तो क्या मिल जाएगा? ये दुनिया बड़ी अजीब है। समाज में हमारे आपके समाज में श्रोता बंधुओं तमाम ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं, अगर देखा जाए तो बड़ा घिनौनी कुरीतियां। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने हिंदू धर्म के अंदर एक परंपरा है, जानते हैं कौन सी परंपरा? कि अगर हमारे आपके यहां कोई आदमी मर जाता है और मरने के बाद अगर कोई गरीब आदमी पैसे के अभाव की वजह से 13 दिन के बाद मरने वाले की तेरही न कर पावे और 1 साल में उसकी बरसी न कर पावे, तो समाज के ठेकेदारों का नियम है कि उस आदमी का हुक्का पानी बंद कर दो, क्योंकि उसने तेरही नहीं की और उसने बरसी नहीं की। किसी से पूछा जाए भाई तेरही क्यों की गई, बरसी क्यों की गई, तो समाज के ठेकेदारों ने जवाब दिया कि हमारे घर में मुर्दा मर गया और मुर्दे की छूत घुस गई और छूत को निकालने के लिए तेरही करो और बरसी करो। किसी से पूछा जाए कि भैया मुर्दे की परिभाषा क्या होती है, मुर्दे की परिभाषा पूछी जाए तो मुर्दे की परिभाषा क्या है? जिस शरीर के अंदर से प्राण निकल जाए या जिस शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए और खाली शरीर रह जाए तो उसको मुर्दा बोलते हैं। हमारे उस खून के भाई का जो हम साथ साथ पले, साथ साथ पैदा हुए, साथ साथ खाया, साथ साथ घूमे, साथ साथ बड़े हुए, हमारा खून का भाई जब हमारे घर में खत्म हो जाता, उसको हटा करके शमशान घाट में जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है, लेकिन समाज कहता है कि घर में मर गया इसलिए छूत 1 साल तक रहेगी क्योंकि वो मुर्दा था, तेरही करो बरसी करो। और उधर देखिए दूसरी तरफ समाज का ढोंग देखिए, एक कसाई अपने बकरे को लेकर के जाता है बाजार में, बैठ जाता है, देखता है कि 4 बज गए, अब समाज के बड़े बड़े ठेकेदार मेरी दुकान पर आ रहे होंगे, अभी अपने बकरे को बांधे हुए हैं, अभी उस बकरे की वही दशा है जो जिंदा रहने पर हमारे भाई की थी। जब ठीक 4 बज गया उस कसाई ने उस बकरे को काट डाला, उसके अंदर से प्राण निकाल लिए, यानी अब उसकी वही दशा हो गई जो हमारे भाई के मरने पर हुई थी, क्योंकि जब हमारी भाई की आत्मा से निकली तो उसका शरीर मुर्दा हो गया। उसी प्रकार जब बकरे के अंदर आत्मा नहीं रह गई तो बकरा भी मुर्दा हो गया, लेकिन भाई मुर्दा होने के बाद बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी समाज कहता है 1 साल तक छूत रहेगी। और उधर उस कसाई ने उस मुर्दे को क्या किया, एक अच्छी टोकरी में काट काट कर सजाया। वही समाज के ठेकेदार जो नियम बनाते हैं, पहुंचते हैं वहां उस मुर्दा बेचने वाले के पास, अरे मुर्दा के विक्रेता क्या तुम्हारा मुर्दा बिकाऊ है? वो कसाई कहता हां सारा 4 बजे मुर्दा मरा है, बिकाऊ है? कितना क्या रेट? 100 रुपए किलो। सरकार आप ये बताइए मुर्दे की टांग लेंगे
मुर्दे का सर लेंगे, मुर्दे का गुर्दा लेंगे, मुर्दे की कलेजी लेंगे, क्या लेंगे राम सिंह भैया? समाज के चाहने वाले अलग अलग ठेकेदार, कोई कहता है हमें मुर्दे का सर दे दो, कोई कहता है हमें मुर्दे की टांग दे दो, कोई कहता है भैया हमें मुर्दे का कलेजा दे दो मगर छोटे छोटे पीस बनाकर दे दो। वारी दुनिया, वारी समाज के ठेकेदारों, एक तरफ भाई निकल गया फिर भी छूत एक साल तक रहती है, और दूसरी तरफ उस मुर्दे को पैसे से खरीद कर अपने उस खानदानी घर में लाया जाता, लाने के बाद खानदानी कढ़ाई मंगाई जाती है, उस खानदानी कढ़ाई में सुंदर सुंदर मसाले डाल डालकर उस मुर्दे को पकाया जाता है, और पकाने के बाद इस शरीर को ब्रह्मांड बोलते हैं, इस मुख को ब्रह्मांड बोलते हैं, इस मुख के द्वार से प्रवेश करके उस मुर्दे की एक एक कड़ी को शरीर की एक एक खून की बूंद में मिला लिया जाता है। लेकिन क्या कोई समाज का ठेकेदार ऐसा पैदा हुआ जो ये कहता हो कि जो मुर्दा हमारे खून के कतरे कतरे में समा गया है इसकी छूत कितने वर्षों तक रहेगी? वो तो हमारा भाई चला गया, उसके बाद भी छूत रहती है, कोई गरीब आदमी ना कर पावे 13 बरसी तो छूत घर में रहती है, लेकिन जो मुर्दा हम बाजार से खरीद कर लाए हैं, जिसको हमने खून के एक एक खतरे में बना समा लिया है, आखिर समाज में ऐसा क्यों नियम नहीं बनता कि उस मुर्दे की छूत क्यों नहीं मनाई जाती? सज्जनों, मैंने बड़े बड़े मांस खाने वाले देखे, लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि आप कच्चा खा सकते हो, कोई नहीं, लेकिन मसालों की भरमार पर लोग मुर्दे सटासट खाए जाते हैं, मुर्दे सटासट खाए जाते हैं, और समाज में कोई उन पर उंगलियां भी नहीं उठाता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जियत पिता को जल ना देवे मरे श्राद्ध करवावे, एक सज्जन कहने लगे भाई पंडित जी मिश्रा जी एक बात बताइए, आजकल ये ऐसा जमाना क्यों आ गया है? हमने कहा कैसा? कहा लोग माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़ा पाप का संचार हो रहा है। हमने कहा भैया वो तो होगा ही। बोले क्यों? हमने कहा ये तो आपने भी सुना होगा, वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपका खून बनेगा, वैसे ही आपकी मनोवृत्तियां बनेंगी। बोले मतलब? हमने कहा मतलब तो साफ है, आजकल मांसाहारी दुनिया ज्यादा है, और वो मांस किसका है? बकरे का। बोले फिर? हमने कहा विचार करो, जिस बकरे का मांस दुनिया खाती है उस बकरे का वास्तविक रूप क्या है? कहा क्या है? हमने कहा जानना चाहते हो? वो बकरा जिस मां बकरी के पेट से जन्म लेता है, वो बकरा जिस बकरी मां के पेट से जन्म लेता है, जब थोड़ा जवान होता है तो उसी अपनी मां बकरी से कहता है, ए अम्मा अब तुम हमारी अम्मा नहीं हो। कहा फिर? कहा अब हो तुम हमारी दुल्हन, हमसे शादी करो। और शादी कर लेता। तो विचार करो, जब उस बकरे के ऐसे विचार हैं, पशु वृत्ति है, तो उसका मांस खाने वालों का भी मन वैसे ही बनेगा ना, तो उनकी मनोवृत्तियां कहां तक समझी सही रहेंगी? जब बकरा अपनी मां को मां नहीं समझता तो उसका मांस का सेवन करने वाले अपनी मां और बहन का विचार कब तक रखेंगे? बोलो सियावर रामचंद्र की। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे, दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे, जियत पिता को जल ना देवे मरे श्राद्ध करवावे, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में।
ऐसी श्रद्धा पर सब एक तो भाव लगाए। सांप पेड़ कंकड़ पत्थर तक यहाँ पर ब्रह्म कहलाए। बेढंगी दुनिया भूले भुलैया में भुलानी। इसलिए बाबा हमारी बात मानो, अब कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। का फिर? अरे कहा अब कि हम उसकी पूजा करेंगे जिससे हमको सुख मिलता है, जो हमारा सुख और दुख का दाता है, जिस पर्वत पर हम लोग विचरते हैं, जिस पर्वत पर हरी हरी घास उगती है, जिसको हमारी गौएं खाती हैं, हमारे बछड़े खाते हैं, जिनके कारण ब्रजवासी दूध पीकर किलोले करते हैं। वो ब्रह्म वहीं पर प्रकट होगा, वो ब्रह्म उसी गिरी में प्रकटाएगा। देखना बाबा, आज गोवर्धन अपनी महिमा दिखाएगा। बाबा आज हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, आज हम गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। मनमोहन की बात पर करके सब विश्वास, लेकर सामग्री चले गोवर्धन के पास। सभी लोग भगवान कृष्ण का कहना मानकर गोवर्धन पहाड़ के ऊपर पूजा करने के लिए भैया चल दिए। फौरन आदेश दिया गया, झट झाड़ करके बुहार करके चारों दिशाओं में जल के छिड़काव कराए गए। चंदन अक्षत फल फूल दूब गोवर्धन पर खूब चढ़वाए भगवान ने। उसके बाद चढ़ने लगा क्या, लड्डू पेड़े पूड़ी मेवे माखन दधि दूध चढ़ाने लगे। बैठे सब ग्वाल एक आसन पर ब्राह्मण पूजन करवाने लगे। अरे भगवान की माया को भगवान ही जाने, या जिस पर दया सिंधु दया कर दे वो जाने। वारे मनमोहन तुम्हारी लीला, झट झाड़ करके बुहार करके जमान लपलपा रही है, बड़े अच्छे अच्छे मेवे मिष्ठान पकवान आए हैं बन बन कर। भगवान सोच रहे हैं कब हमको मौका मिले और कब हम खाएं। भगवान क्या करते हैं, भगवान ने देखिए भैया दो रूप बना लिए यहां पर, पुतुलाल दो रूप बनाए। एक रूप से तो मेवा मिष्ठान पकवान चढ़वा रहे गोवर्धन पहाड़ के ऊपर, और दूसरा रूप भगवान ने गोवर्धन पहाड़ के अंदर प्रवेश कर दिया। जानते हो क्या, जो भी लाता है धर्म से हाथ से छीन कर खा जाते हैं, जो भी चढ़ाने जाता है भगवान धर्म से हाथ से छीन कर खा जाते हैं। वाह रे भगवान का खाने का ढंग। देखो भैया खाने का ढंग भी बड़ा निराला होता है, कोई कैसे खाता है कोई कैसे खाता है। हमने देखा है कोई तो बड़े प्रेम से खाएंगे, और कहूं कहूं ऐसी खवाई देखी। एक गांव में देखे भैया, लोग थरियम भात ले हैं पर्स, भात का मतलब चावल, और उसका कौर बनावेंगे हाथ में, मींजते रहेंगे मींजते रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे चावल से खानदानी दुश्मनी निकाली जा रही। खानदानी दुश्मनी निकाल कर तब उससे काट काट कर खाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर उनको खाने नहीं आता, जैसे हमारे पुतुलाल जी हैं, इनको भी भैया खाने की अकल अभी तक नहीं आई है। जरूर ढोलक मास्टर हमारे, जानते हो एक दिन क्या हुआ,
सज्जनों, हमारी रामा कैसेट की इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये रामा कैसेट की रिकॉर्डिंग जो होती है, ये हमारे कुमार साहब जो हैं, म्यूजिक पैलेस के मालिक साहब, इनके सौजन्य से होती है। यहां लखनऊ में ठहरने की सारी व्यवस्था वही हमारी कराते हैं, भोजन पानी ठहरने की। तो उन्होंने बड़ा सुंदर स्थान हमको दे रखा है। जब भी हम रामा कैसेट की रिकॉर्डिंग करने आते हैं यहां पर, तो हमारे कुमार साहब अपने परम मित्र जो देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अजय, देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अजय जो कि हमारे अंबर होटल के मालिक हैं, बड़ा ही लंबा चौड़ा होटल बना है भैया ये, 3-4 मंजिल का, और लखनऊ के अंदर बहुत बढ़िया होटल माना जाता है, और यहाँ व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है खाने पीने की, चाहे आप रात में खाना मांगे या सुबह खाना मांगे, हर एक कमरों में आपको बड़ी सफाई मिलेगी, बड़ी सुंदर आधुनिक व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। और ये अंबर होटल जो है भैया, ये अंबर मार्केट लखनऊ में ही है, तो हम जब भी यहां आते हैं, हमारे कुमार साहब हमको इसी अंबर होटल में ठहराते हैं जो अंबर मार्केट लखनऊ में है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ की, बड़ा सुंदर इंतजाम है, आधुनिकता के संपूर्ण साधन यहाँ आपको मिलते हैं। यहाँ के जो वेटर लोग भी हैं उनकी भी बड़ी अच्छी सर्विस है श्रोता बंधुओं। तो जब पहली बार रिकॉर्डिंग करने आए तो कुमार साहब ने हमारी पार्टी दे दी अंबर होटल में, तो हमारे पुत्तू लाल जितने वादक थे सबकी पार्टी दी गई। भाई वेटर साहब आगे बेचारे रूमाल रख गए, पुत्तू लाल बोले भैया ये रूमाल क्या, हमको दान किया जाता। हमने कहा पागल, ये रूमाल कोई कपड़े का थोड़ी है। बोले फिर हमने कहा ये कागज का है। बोले भैया रूमाल का है आवा है। हमने कहा ये रूमाल अपने आगे डाल लो, तुम्हारे मुंह से दाल भात चुई जाए तो इसी पर गिरा लो, इससे पूछ लो। बोले अच्छा, हम जाने भैया ये घर ले जावे के लिए है। उसके बाद भाई भोजन आया, और भोजन के बाद में परौंठे आए आलू वाले, और साथ में एक कांटेदार चम्मच आया, बल्लम आया, और चम्मच छुरिया एक आई। पुतुलाल बोले भैया ये छुरिया काहे के लिए है। हमने कहा इससे रोटी काटो और बल्लम जैसे चम्मच जो इससे कचो और खाओ। हमने देखा सब लोग प्रेम से छुरी से सट से काटे, बल्लम वाले चम्मच से कचोएं और खाएं, लेकिन पुतुलाल हमने देखा 10 मिनट तक कुछ 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 काटे ही रहे हैं। भैया वो कटती नहीं रोटी, एक बार बड़ा मुश्किल से काट पाए तो बल्लम वाले चम्मच से कचोया जैसे कचोए मुंह तक ले जाए वो टप से चू जाए, मुंह तक ले जाए वो टप से चू जाए। राधे राधे। जो भैया वो चुई जाए, बेचारे पुतुलाल बोले भैया ये तो सब खाए जा रहे हैं, हम तो लग रहा है अंबर होटल में भूखे रह जाएंगे। हमने कहा तो फिर, बोले तुम आज्ञा दो तो अपनी औकात पर आ जाए। हमने कहा बिल्कुल औकात में आओ, वरना अंबर होटल में भूखे रह जाओगे भैया। बस पुतुलाल आ गए औकात में, दाल भात का कौर बनाया, सटा साठ सटा साठ सटा साठ, 5 मिनट में खा पी के डकार मारी। हा तो श्रोता बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि हमारे बहुत से भाइयों को खाने खिलाने का भी ढंग नहीं आता, लेकिन भगवान भी बड़ा अजीब ढंग से पूजा करवा रहे हैं और खा रहे हैं। कैसे? दो रूप बनाए, एक रूप में पूजा करवा रहे हैं और एक रूप में जो है अपने भक्तों को खिलवा रहे। मनमोहन ही गोवर्धन से गोवर्धन बन प्रकटाते हैं, मनमोहन की अगुआ बनकर सबको वह मूर्ति दिखाते हैं, उस ओर उठाते ही आंखें सुर नर मुनि तक बहलाते हैं। इस ओर अमनोहर शोभा पर आप ही नयन लग जाते हैं, पर हैं गिरवर हैं या गिरधारी हैं, स
स्वामी है वही दोस्त भी है, ठाकुर है वही पुजारी में। गिरिपति ने गिरिराज को अरे कहा जोड़ कर हाथ, बोलो भक्तो प्रेम से जय गोवर्धन नाथ। जय श्रोता बंधु, आज भगवान ही पूजा करवा रहे हैं, भगवान ही पूजा का माल खा रहे हैं, और सारे ब्रजवासियों से कहते हैं भैया तुम लोग गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करो। सब लोग गोवर्धन पहाड़ को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, सब माताएं बड़े प्रेम से गोवर्धन की आराधना कर रही हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं पुतुलाल। हाँ भैया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं न माने मेरो है मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं, ओ जाऊं मेरो माने लाए मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं मेरो न माने देखो मनवा। पांच सेर की कड़ी रे कढ़ैया, पांच सेर की कड़े कढ़ैया, पांच सेर की कड़ी रे कढ़ैया, पांच सेर की कड़े कढ़ैया। मैं बैठ बैठ बर खाऊं, अर खाऊं न माने देखो मेरो मनवा। बैठ बैठ मैं तो गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं, हो जाऊं ना माने मेरो मनुआ। सतकोष की कर परिक्रमा, सतकोष की कर परिक्रमा, सतकोष की कर परिक्रमा, सतकोष की कर परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, नहाऊं मन ना माने मेरो मनुआ। गंगा नहाऊं, गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं ना माने देखो मेरा मनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं, हो जाऊं ना माने मेरो मनुआ। चकलेश्वर की पूजा करियो, चकलेश्वर की पूजा करियो, चकलेश्वर की पूजा करियो, पूजा करिया पूजा करिया। मैं तो नव नव दीप जिमाऊं, हो जिमाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। नव दे जलाओ, हो जलाओ ना माने मेरो अब मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं, हो जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। हाँ।
गोवर्धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं हो जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ चंद्र सखी भजू बाल कृष्ण छरी चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद सखी भज बाल मैं तो हरि चरणन बलि जाऊं बलि जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ तो गोवर्धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं हो जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ इस प्रकार से सभी आज ब्रजवासी जो हैं वो गोवर्धन पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, प्रेम से भगवान भोग लगाते हैं और प्रेम से ब्रजवासी आराम से भगवान गोवर्धन पहाड़ का पूजन करते हैं। घर पर आए नरनार सब पूजन के पश्चात आज बड़ी समस्या हो गई। वैसे जब हमेशा इंद्र भगवान की पूजा होती थी तो पूजा करके प्रसाद वहां होते रख दिया करती थी ब्रजवासियां, और जो बच प्रसाद रख के भोग लगा के उठा लाती थी, लड़का बच्चों को खाने को देती थी। हाँ आज क्या हुआ, जितनी ले ले माल पुआ गई भगवान सब गपा गप कुछ बचा ही नहीं जो लौटाल के लावे। अब लड़का कहा है अम्मा भूख लगी खूब कूचे हमका खाई लो, जब कुछ बचा हो तब तो तुम्हें दें, सब तो खाएंगे गोवर्धन भगवान, वहां कुछ बचे ही नहीं तो खिलावे क्या। आज पूजा करके सारे ब्रजवासी भैया वापिस आ गए, घर आए नरनार सब पूजन के पश्चात आशा ही में इंद्र की बीत गई सब रात। उधर तो भगवान पूजा करा के सब खा गए और इधर इंद्र भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई हमारी पूजा अब होगी अब होगी अब होगी, अभी हुई नहीं अब होगी। जब सारी रात भैया बीत गई तब इधर आए नारद जी, नारायण नारायण नारायण, कहा आओ मुनिवर कैसे आ गए, कहा आ गए मिलने, कहा आप कैसे बैठे। इंद्र ने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, और हमारी पूजा करते थे आज ब्रजवासी पूजा नहीं कर रहे। नारद ने कहा पूजा क्या करेंगे, वहां तो सब गोवर्धन भगवान की पूजा कर चुके, तुम्हारी पूजा वूजा छोड़ दी तुम भूल जाओ अपनी पूजा। कहा इंद्र ने हो गया ब्रज में नाथ स्वराज, नंद राय का छोकरा है सबका सिरताज। दो दिन में 10 पैसे घर में क्या आ गए, चरवाहों ने क्या पा लिए, उनके दिमाग खराब हो गए। बरसाती नाली जो है ना, बरसाते नाले सीमा पार करके बाहर निकल गए, उनको इतनी शान आ गई, मैं हरी हमेशा पूजा करते तब की मेरा अपमान कर दिया, बुलाया अपने मेघों को, दिखा दूंगा उन ब्रजवासों को इंद्र में कितनी ताकत है, इंद्र में कितना दमखम है। इतना कहकर इंद्र ने मेघों को लिया बुलवाए, हुकुम दिया पल मात्र में दो ब्रज भूमि उड़ाए। जाओ मेरे साथियों घेराओ इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं। घुमराओ इतनी ता
स्वागत से पृथ्वी के परत पलट जाए। वज्रपटक गोवर्धन पर भूतल से नीचे पहुंचा दो, पशुओं को महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। ना भी निशान बाकी न रहे, एक बार ही में वो करके पर जलियां पटक दो, चमका कर उस नंद ग्वाल के लड़के पर। जाओ मेघो जाओ, इतना जोरों से घेराओ कि कानों के पर्दे फट जाएं, इतना जोरों से घुमराओ कि पृथ्वी के परत पलट जाएं। वज्र पटक दो गोवर्धन के ऊपर, उसको रसातल के नीचे पहुंचा दो, पशुओं पर महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो, चमका चमका कर उस नंद के ग्वाले लड़के पर उसका विनाश कर डालो। अब क्या उमड़ घुमड़ करके बादल भैया आने लगे, काले पीले सफेद बादल आने लगे, बिजलियां टूटने लगी। सारे ब्रजवासी घबरा गए, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए। हे प्रभु, पहले आपने पहला उपाय बताया था, अब लगता है इंद्र नाराज हो गया है, सारे ब्रजवासियों की मौत बनकर आ गया है, अब दूसरा उपाय भी बताओ, हमारी जान कैसे बचेगी। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुमने जिन गोवर्धन भगवान की पूजा की है वही गोवर्धन बाहर तुम्हारी रक्षा करेगा, आओ मेरे साथ आओ। इतना कहकर के प्रभु ने क्या किया भैया, प्रभु बोले रो नहीं मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। यूं कहकर गिर के निकट पहुंचे यादव राय, छिमुरी के नख पर लिया क्षण में उसे उठाए। किया भगवान ने अपनी छिंगलियां के ऊपर गोवर्धन पाल को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए गिरवरधारी की। कहने लगे आओ मेरे प्रजाजनों, आओ मेरे ब्रजवासियों, इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सबको गैया बैल जानवर ब्रजवासी सब बुला लिए। गोवर्धन पहाड़ को इतना गर्म कर दिया कि उस पर पानी की बूंद गिरती है तो भाप बनकर उड़ जाती है। भगवान प्रेम पूर्वक पहाड़ को उठाए हैं, खड़े हुए। जिस समय जय जयकार मची हुई थी तब तक यशोदा मैया ने देखा, अरे मेरा कन्हैया, छोटा सा कन्हैया और छिंगनिया के ऊपर पर्वत उठाए हैं। हाय 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 हाय, कितने कठोर हैं सब, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और मेरा लाला, हाय मेरा लाला, छोटी सी छिंगनिया पर इतना बड़ा पहाड़ उठाए है। हैं कठोर ये सब बड़े, खड़े खड़े मुस्काते हैं, वारे पर इतना भार पटक हाथ भी न ग्वाल लगाते हैं। अरे ग्वालो बालो दौड़ो जल्दी, लाल को सहारा दे दियो। जब बाह कान की थक जावे तब इसे हाथ में ले लीजो। अरे ग्वालो बालो दौड़ो दौड़ो मेरे कन्हैया का सहारा बनो, लाठियां लगाओ और अपने हाथ पर भी ले लो। मेरा बालक बड़ा छोटा है, इतना बड़ा पहाड़ से थक जाएगा।
ग्वाल वाले कुछ कहते कि इतने में ही तुरंत राधिका सामने आ गई। जब राधिका भगवान के सामने आई, मनमोहन और राधिका की आंखें मिली, राधिका थोड़ा मुस्कुराई और माया ब्रह्म का जब मुस्कान शुरू हुआ, भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराने में खिलकोरा लगा, हाथ हिला और पहाड़ हिलने लगा, डगमग डगमग डोल उठा, सब चिल्लाए, अरे राधा जी पीछे हट जाओ हट जाओ, जब तक तुम श्याम के सामने रहोगी तब तक ये पर्वत हिलना सुबंद नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा राधिके। रहे राधिका शांति सी सुधीत, चकरी सी चित है चहु चौल करे ना, गिपिधार गोपाल देहे जबलों तबलों लड़काई लड़ाए लड़ेना, तू ही जई है जितिए अरे चित है तिसई ही हार इतई बल बाह हरैना, ललिलाल किलोल किलोलन में गिरी डोलक हूं भूई डोल परेना। अब क्या जब पर्वत हिला ग्वाले बाले दौड़ पड़े, कैसे दौड़े भैया, कोई मूसल ले दौड़ पड़ा और कोई परनिया उठाने लगा, कोई हरीस को खींच चला और कोई मखनिया लगाने लगा, टेढ़े सीधे हो कर अपना आधार दिखाने लगे, अरे मिसरा होठों को दबा दबा, नवीन होठों को दबा दबा, अपना साहस जतलाने लगे, कोई मूसल लगाए है, कोई मथनिया लगाए है, कोई भैया परनिया लगाए है। यशोदा मैया आई, कहा है ग्वाल बालो एक बात ध्यान रखो, देखो तुम लोगों का जोर, तुम लोगों की ताकत जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। दामा कहने लगा, मनसुखा कहने लगा, हे यशोदा मैया, तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारा लाला पर्वत उठाए है, हम अगर अपनी लाठी हटा दें अभी पर्वत नीचे आ जाएगा, जरा सा मूसल हटा दें अभी पर्वत आ जाएगा। भगवान ने जब देखा, जरा सा हाथ टाइट किया, ढीला किया, मूसला अलग लुढ़क गया, मथनिया अलग लुढ़क गई, लाठी अलग लुढ़क गई। 7 दिन तक इस प्रकार से घनघोर वर्षा होती रही। अंत में जब मेघ हार गए कि महाराज अब हमारे पास जल नहीं रह गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र हार गया बेचारा, लाचार होकर के बारिश बंद हो गई। भगवान अपने सारे ब्रजवासियों को लेकर अपने अपने घर आए, और दूसरे दिन जब भगवान गाय चराने गए, रास्ते में इंद्र समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। बड़े प्यार से जिस समय सुबेरे सुबेरे वन की तरफ भेजा भगवान को, बड़ा चुमकारा दुलारा आज माता ने जंगल जाने से पहले। दधी माखन देकर मोहन को यशोदा कंठ से लगाने लगी, चुमकार दुलार कुमार लला व कोमल बाह दमाने लगी। फिर सुबह हुआ गौए लेकर गिरधर ग्वालों के साथ चले, अवसर पाकर चुपचाप उधर सुरपुर तज कर सुरनाथ चले। ऐ रावत है उधर कर गिरे चरण कुलाए, क्षमा क्षमा सिंधो क्षमा रमा कांति यदुराय। इंद्र ऐरावत हाथी से उतर करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा धराम से, त्राहि माम हे प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। वह भी सब दास तुम्हारा था, या भी सब चरित तुम्हारा है, इस भूल भुलैया में पड़ना लीलाधर धर्म हमारा है। हे भक्त वैसे हे दीन बंधु, अब पात रखो पतिधारी की,
बिसरा दो करनी दया सिंधु इस मूरख दीने अनारी की। भगवान से बार बार क्षमा याचना करता, उन्हें क्षमा करते हुए लौट पड़े घनश्याम। कह विनीत आनंद से जय मोहन सुख धाम। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। श्रोता बंधुओं, आज इंद्र भी बड़े प्रेम से गुनगुनाता हुआ जा रहा है और सारे ब्रजवासी आज बैठे बैठे वही पुरानी बात दोहरा रहे हैं और हम भी चलते चलते आपको वही शब्द सुना रहे हैं। क्या सभी वही कह रहे हैं? मैं तो गोबर धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। गोबर धन को जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। मैं गोबर धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। तो गोबर धन को जाऊं हो जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। 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 मैं गोबर धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। गोबर धन को जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। गोबर धन को जाऊं हो जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। पांच शेर की करी रे कढ़ैया। पांच शेर की करी रे कढ़ैया। पांच शेर की करी रे कढ़ैया। मैं तो पेड़ पेड़ पर खाऊं अरे खाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। तो पेड़ पेड़ पर खाऊं ओ खाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं अरे जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। तो गोबर धन को जाऊं हो जाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। सात कोस की करी रे परिक्रमा। सात कोस की करी रे परिक्रमा। सात कोस की करी रे परिक्रमा। सात करमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं रे नहाऊं ना माने देखो मेरो मनुआ। मानस गंगा।